हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, आलिया भट्ट आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। ना ही सिर्फ वो अपने रिश्ते को लेकर बल्कि और भी कई सारी वजहों से। आपको बताते हैं कि आलिया भट्ट को पीपल्स चॉइस अवार्ड 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया है। जी हाँ, इस बार इंस्पायरिंग एशियन वुमेन ऑफ 2019 नॉमिनेशन में पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए आलिया भट्ट का नाम सामने आया है। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा को ये अवार्ड मिल चुका है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट इंडस्ट्री की काफी वर्सेटाइल एक्टर हैं और वो काफी इंस्पायरिंग भी हैं, जिसके चलते उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इस तरह के अवार्ड में नॉमिनेट होना भी काफी बड़ी बात होती है। बॉलीवुड सेलेब्स में कईयों की निगाहें इसमें नॉमिनेशन पर रहती हैं, लेकिन आलिया भट्ट को ये नॉमिनेशन मिल गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी महिलाओं को ये नॉमिनेशन मिला है, लेकिन भारत से आलिया भट्ट का नाम सामने आया है, ये वाकई बहुत गर्व की बात है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट अपनी शादी को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। जी हाँ, उनकी शादी के चर्चे रणबीर कपूर के साथ अब आम हो चले हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हैं और दोनों ने फैंस के सामने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वो एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते हैं और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी हाँ, आपको बताते चलते हैं कि आलिया भट्ट जल्द ही शादी कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट इस साल के आखिर में शादी कर सकती हैं। खबरें तो ये भी थी कि रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर जब भारत लौट आएंगे तो दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा। और अब ऋषि कपूर वापस लौट कर आ चुके हैं, तो बस अब इंतजार इस बात का है कि कब दोनों शादी के बंधन में बनते हैं, जिसके लिए उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। अब आलिया के वर्क फ्रेंड की बात कर लेते हैं। आलिया ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी और उनके साथ नजर आएंगे उनके बॉयफ्रेंड यानी कि रणबीर कपूर। इस फिल्म को आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त हैं। साथ ही इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी उनके साथ नजर आएंगे। वहीं आलिया भट्ट के लिए एक दुखद खबर भी थी। इंशाल्लाह, उन्होंने सलमान खान के साथ साइन की थी, लेकिन अब सलमान खान और संजय लीला भंसाली ने ऐलान कर दिया है कि फिल्म थोड़े दिनों के लिए टल गई है। अब इस फिल्म पर कब काम शुरू होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन आलिया के लिए ये अच्छी खबर है कि उनका नॉमिनेशन हो गया है और उन्हें नॉमिनेट किया गया है पीपल्स चॉइस अवार्ड 2019 के लिए। फिलहाल तो हम सब की तरफ से उनके लिए ढेर सारी बधाइयां। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।